अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपने घर में अपनी गोल्ड को और सिल्वर गोल्ड को किस तरह से क्लीन करती हूँ। यूँ तो बहुत तरीके हैं, उन्हीं में से आपको मैं दो बिल्कुल सिंपल से तरीके बताऊँगी। तो देखिए कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है हमारी पायल भी, और बहुत ही ज़्यादा काली हो गई हैं, और टाइम बिल्कुल भी नहीं है जो मैं इसको चाय की पत्ती में या सर्फ में पकाऊं। तो बिल्कुल आसान तरीके से और झटपट से क्लीन होने वाला मैं आपको टिप्स बताऊंगी। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा ले लिया है कोलगेट, और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी और इसको कर लूंगी मैं अच्छे से मिक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेती। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा और ले लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करके हमारे जो सिल्वर गोल्ड है इस पे हम अप्लाई कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। तो देखिए, मैं इनको सारे में मैं एक एक पायल ले रही हूँ, जिससे कि मैं आपको बाद में दिखा सकूँ कि कितना डिफरेंस आया है। तो मैं इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 10-15 मिनट हो चुके थे, तो मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है, और ये जो हमारा टूथब्रश है, कोई वेस्ट हो आपके पास रखा हो तो आप उससे इसको अच्छे से रगड़ के क्लीन कर लीजिएगा। बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है फ्रेंड्स, ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती। तो देखिए, मैं आपके सामने ही इसको अच्छे से रगड़ के दिखा रही हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसको धो के कि ये कितनी आसानी से क्लीन हो चुकी है हमारी रिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स। तो चलिए, हम सारा को धो के दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कितनी अच्छे से ये क्लीन हो चुकी है, और ये हमारी पायल ये भी बहुत ही अच्छे तरह से क्लीन हो चुकी है। तो ये वाली मैंने नहीं धोई थी, आप इसको देख सकते हैं और इनको देख सकते हैं कितना डिफरेंस आया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल चेंज हो गई है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। तो आप अपने घर पे अपने एक सिल्वर गोल्ड और गोल्ड को इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। तो दूसरा तरीका क्या है, मैंने ले लिया है विनेगर, यानी कि सिरका। थोड़ा सा सिरका डाल देंगे हम, और इसमें डालेंगे हम बेकिंग सोडा। बस ये हमें दो चीज़ चाहिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमारी ये दूसरी जो पायल है, हमें इसे इसमें डाल देंगे और 10-15 मिनट के लिए इनको ऐसे ही रख देंगे। ये भी बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई जल्दी है इनको धोने की, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो 10-15 मिनट हो चुके थे इसको रखे हुए, तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। मैंने अभी इसमें ब्रश भी नहीं किया है, और ये देखिए इसका पानी कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। इसमें जो गंदगी थी वो खुद ही निकल गई, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस हल्का सा हम इसमें ब्रश लगा देंगे और अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत ही ईजी तरीका है। तो जौन सा भी आपको पसंद है, आप उस तरह से अपनी ज्वेलरी धो सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कौन सी टिप्स आपको ज़्यादा बेहतर लगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।